आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं होटल करमन बॉर्डर पर और यहाँ पर देखेंगे टोल से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज और दिखाएंगे कि साथ में यहाँ पर एक विशेष ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है कि क्या कुछ खास इस ड्राइव में होगा। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हालांकि भी कुछ दिन पहले एक मारपीट की घटना यहाँ पर बड़ी वायरल हुई है कि टोल कर्मियों के द्वारा एक वाहन चालक के साथ मारपीट हुई। ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों बन जाती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आइए जी मैनेजर साहब, आइए। विजुअल क्लियर है कभी पर? आइए मैनेजर साहब, इधर आइए। मैनेजर साहब एक तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सन्नी पवार है और मैं करमन टोल प्लाजा पर टोल प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आज क्या कुछ खास वैसे ड्राइव किया आप लोगों ने? आज के में जी ये जो यूज़र है, कार यूज़र है, ये कभी कभी क्या करते हैं कि फेक आईडी कार्ड से फेक आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ से टोल क्रॉस होने के लिए फ्री में टोल प्लाजा को पास करने के लिए, तो उसमें ये देख सकते हैं काफ़ी आईडी कार्ड हमने मतलब कलेक्ट किए हैं उनसे, ये सभी आधार कार्ड दिखा दीजिए। ये नहीं, आधार कार्ड कैसे फर्जी आपने कैसे मांगा? ये मतलब जो किसी ने कॉपी करा लिया, जेन्युइन नहीं है उनका। ये देखिए लोक रक्षक सेना, इस तरह के ये कार्ड है। नहीं, फिर आपने जैसे कि कैसे पता किया कि नकली है, जरा मुझे बताएं जरा एक बार। देखिए आपको स्कैन कराए हुए हैं सारे। अच्छा जी, स्कैन कराए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। आप भी अगर जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, आपको भी मतलब पता चल जाता है जो ओरिजिनल आधार कार्ड होगा, इनकी डिटेल्स भी उनके नाम पे नहीं होती। समस्या किस किस प्रकार की आती है आप यहाँ पर? यही समस्या आती है लेन में आकर जो लोकल यूज़र जो हैं वो मतलब पैसे देने के लिए मना करते हैं, उनके लिए मंथली पास भी दिए हैं, 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर मंथली पास है यहाँ पे 330 रुपये का, लेकिन वो भी मतलब लेना उचित नहीं समझते वो लोग। उनको मतलब आई कार्ड दिखा, वो अपना आधार कार्ड दिखा के लोकलिटी के रूप के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जिससे कि जो पीछे वाहन गाड़ियाँ खड़े होते हैं जो प्रॉपर फास्टैग लेके अपना कैरी कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़र्स हैं, उनको समस्या आती है, उनको समस्या आती है यूजर्स को जो प्रॉपर अपने फास्टैग में बैलेंस रख के टोल प्लाजा को क्रॉस करना चाहते हैं, उनको समस्या आती है क्योंकि उनको भी एक दो या दो मिनट वेट करना पड़ जाता है उन लोगों की वजह से। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें। देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से, और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि कृपया ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपको पता चल सके, और साथ में कमेंट जरूर डालें, हम आपके कमेंट पढ़ पढ़ कर सुनाते रहेंगे सभी को। देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर झगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, वो भी हम आपको सुनाने काम करेंगे आखिरकार क्या बात थी, क्यों थी। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट जरूर डालते रहें। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें देखिए। चलिए तो भाई फोन वाहन चालकों से पूछ रहे थे समस्या किस प्रकार की आती है। अच्छा ये बताएं सनी पवार जी, इधर आइए, हमारा एग्जेम्प्ट लेन को बना रखी है क्या आपने? जी, एग्जेम्प्ट लेन जो हमारी एक्स्ट्रा वाइड लेन होती है, जैसे आप बताइए मथुरा से अगर कोई पलवल जा रहा है तो कौन से एग्जेम्प्ट लेन है? 16 नंबर लेन, जो हमारी 16 नंबर लेन है सबसे लास्ट में, मतलब इधर भी जो बिल्डिंग के पास में, क्योंकि वो मतलब वाइड लेन है, एम्बुलेंस या कोई भी हम ये मतलब जो टीम है हमारी नहीं, उसमें एम्बुलेंस और जो सिक्योरिटी है उनके अलावा भी कोई जाता है कि नहीं? एमरजेंसी लेन है वो, एमरजेंसी में अगर ये मान लीजिए एम्बुलेंस है या कोई है तो उस लेन से हम उसको फास्ट तरीके से निकाल देते हैं। बाकी हमें मतलब एज पर NHI गाइडलाइन हमें सारी लेन 24/7 ऑपरेट करनी होती है, हम किसी भी लेन को क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज नहीं कर सकते, सभी लेन हमें ऑपरेट करनी होती है ताकि यूजर्स को इशू ना आए। मान लीजिए शनिवार और संडे को लोग कोकलावन और मथुरा नगरी जाते हैं ज़्यादातर, तो कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, तो जाम की स्थिति जब बन जाती है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जाम की स्थिति क्या कि हमारे पास रिवर्सिबल लेन है यहाँ पे, अगर इस तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम उधर लेन ऑपरेट कर सकते हैं, एक लेन को बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जाम की स्थिति ये मान लीजिए अगर पीक आवर्स भी होता है उस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे भी गाड़ियाँ स्टॉप नहीं होती यहाँ पे, गाड़ियाँ चलती रहती हैं और 100 मीटर से पहले ही होता है काफ़ी ट्रैफिक। अच्छा, तो उनको सभी को प्रोसेस करते हैं सैटरडे संडे। मैं स्वयं एक बार शनिवार को आया था तो इस पर लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम था। मैं एक आपको एक तरीका बता रहा हूँ, तो रॉन्ग साइड मतलब दूसरी लाइन से जो जाने वाली लाइन है यहाँ से और हम आने वाली लाइन में से, तो हम सभी ने बहुत सारे गाड़ी वालों ने उस आने वाली लाइन से उधर से निकले
तो क्या ऐसा भी रात में जब पॉसिबल कर देते हैं जब ज़्यादा जाम हो जाता है? जी अगर यहाँ पे थोड़ा भी ट्रैफिक बढ़ता है, सोमेट्रो के पास भी पहुँचता तो हम एक लेन और मतलब ऑपरेट कर देते हैं, सोमेट्रो से पहले ही कर देते हैं। अच्छा। हालांकि ऐसी स्थिति अब तो मतलब मैं अवगत नहीं हूँ कब की, मतलब आपने बात करी, लेकिन ये आप किसी भी सैटरडे संडे में यहाँ पे क्रॉस कीजिए, आपको किसी भी सैटरडे संडे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। गाड़ी को रोका हुआ क्यों हुआ, काफ़ी देर हो गए, बता सकते हैं टेक्निकल क्या? बताइए, ये आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर गाड़ी पर लिखा है जी, क्या कह रहे हैं? सिस्टम में कभी कभी रीड नहीं कर पाते, फास्टैग अगर 33 नंबर से होता है ना उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं गाड़ी वाले, जैसे गाड़ी लिया 33 नंबर से फास्टैग होता है स्टार्टिंग में, ये फिर गाड़ी नंबर से नहीं कराते उसको, तो 33 नंबर वाले फास्टैग में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, अभी तक कोई चेकिंग तो नहीं कर पाए हमारे सामने, ये अगर ये चेकिंग करके बताएंगे, किसी का कार्ड देखेंगे, हाँ जिसमें भी आप चलें, चल एक जिसमें भी ये जाएंगे वो हम दिखाने का काम करें। अच्छा सनी जी, सनी जी एक सवाल और बताएं, अभी कुछ दिन पहले एक झगड़ा हुआ एक वाहन चालक के साथ, बहुत ज़्यादा मारपीट की टोल कर्मियों ने, आखिरकार दादागिरी कब रुकेगी? नहीं जी, हमारी तरफ से या जो यहाँ पे टोल प्लाजा कर्मी काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ऐसे किसी झगड़े को अंजाम नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये मान लीजिए अब तक जब से टोल प्लाजा हुआ कम से कम 5 से 6 इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें लोकल विलेजर्स या बाकी लोग इकट्ठे होकर, जो हमारे एम्प्लॉय हैं इनके साथ हादसे हो चुके हैं, जिसकी कंप्लेंट्स भी हैं, कंप्लेंट्स भी लोज हैं, तो यहाँ पर इनका किसी का भी पर्पज़ ये नहीं है कि किसी भी यूज़र के साथ हाथापाई की जाए, क्योंकि ऐसा ना तो इनको ब्रीफ भी उस तरह से किया जाता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इस तरह कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसके में मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसमें यूज़र ने जो 33 नंबर से फास्टैग कैरी किया हुआ था और उनकी डिमांड थी कि उनको मतलब फ्री में निकाला जाए, तो लेकिन फिर भी इस टोल कर्मियों की तरफ से उनके साथ हाथापाई नहीं की गई, ऐसी कोई मतलब जो मेरे इन्होंने भी यहाँ से जो टोल प्लाजा कर्मी है या टोल प्लाजा जो एजेंसी है उन्होंने शिकायत दी है, इन्होंने भी शिकायत दी है कि जो मतलब यहाँ पर इनके साथ में हाथापाई करने की कोशिश की थी यूजर्स द्वारा। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे वाहन चालकों से आप? यही अपील करना चाहूँगा कि प्रॉपर अपना फास्टैग अपना शीशे पर शीशे के बीच में बिल्कुल चिपका के रखें, ताकि बाकी जो वाहन चालक है उनको यहाँ से क्रॉस करने में परेशानी ना हो। धन्यवाद, आप देखिए हम देख लेते हैं अगर कुछ गाड़ियों की चेकिंग कर पाए। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप ये देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कुछ सेकंड का टाइम यहाँ पर, कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनटों का टाइम लग रहा है, पहली गाड़ी को भी काफ़ी देर रुक करके गया, उसके बाद इस गाड़ी आप ये देखें, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप ये देखें, बस का आपको दिखा देते हैं हम, ये देखिए एक गाड़ी का नंबर दिखा दीजिए, और एक तो ये और दूसरा नेताजी की गाड़ी है, बीजेपी के कोई नेता हैं, बीजेपी के कोई नेता झंडी लगा रखे हैं, एक सेकंड आप आइए, आप बता दीजिए जरा इधर आइए, सनी जी क्या है बताइए? हाथ में लेके कैरी करेंगे तो ये जो रीडर हमारी मशीन ऊपर लगी हुई है तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, तो ये जो अभी बनवाया है वायलेशन है ईटीसी का, जो भैया सीसा चेंज हुआ है कल यार, सीसा चेंज करवाया, इसका बिल भी है अभी बनवाया है, पहला बनवाया, आपको जिसने दिया है उसी को शीशे पे लगाना चाहिए, आपको इमीडिएटली उसे लगवाना चाहिए कि बताइए शीशे पे कहाँ लगाना है, क्योंकि आप इधर उधर लगा देंगे मैं लगा देता हूँ। अच्छा, ये आपका फास्टैग लेकर के स्वयं चिपका रहे हैं आपके शीशे पे, आपको आपत्ति तो नहीं है? मतलब ये आपका स्पीकर लेकर के खुद चिपका रहे हैं फास्टैग को, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, बता दीजिए बस, हमें क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए थैंक यू, चलिए धन्यवाद, सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव, देखिए उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, तो ऐसे लोगों की तारीफ भी होनी चाहिए अगर कोई वाहन चालक ये कह रहा है तो। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है ये, देखिए आप देख लें, आप ये देखें कि किस तरीके से गाड़ी को रोका जा रहा है, क्या आखिरकार क्यों? आप जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप देखें कि इस गाड़ी को क्यों जाने दिया जाएगा, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी देख लेते हैं। भाई साहब, ये गाड़ी कैसे फ्री होकर जाएगी क्या? नहीं जी, फ्री होकर तो नहीं जाएगी, ये लोकल मतलब यूजर है, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें यहाँ से फ्री निकल जाए, आप देख सकते हैं कि वो कोई कार्ड दिखा रहे हैं, उस कार्ड को आप तय करें कि होगा कि नहीं होगा। मैनेजर मिस्टर अनुज चौहान, ये यहाँ पे इनके साथ हम ड्राइव करते रहते हैं, तो आपको ये बताएंगे, बुलाइए मैनेजर साहब को, बुलाइए इधर आइए मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, ये गाड़ी है आपने बहुत देर से रोकी, क्या वजह है?
सर समस्या ये है, इन लोगों को हमने पास के लिए बोल रखा है, 330 रुपए का मंथली पास है इनका। अच्छा। लेकिन ये लोग फिर भी ना पास रिचार्ज कराते ना गाड़ियों के पास। अभी गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी फ्री में? नहीं, अभी बैक कराएंगे इसको, फिर बात करते हैं कि भाई पास रिचार्ज। इसके पिछली गाड़ी क्यों परेशान हो? एक आदमी की नहीं, साइड में लगवा लेंगे। आप करें जरा देखें बाकी, क्योंकि देखिए हम किसी वाहन को परेशान ना होने देना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। तो एक कहा है कि अब लोकल कोई बंदा है आधार कार्ड से वो जा रहे हैं, जो कि पासिस से उनका निकलना साइड में है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, गाड़ी को साइड में लगवा लिया गया। अच्छा सनी जी, ऐसी कितनी समस्या आती है पूरे दिन में? पूरे दिन में ऐसी कम से कम हमारे यहाँ पे 100 से 150 के व्हीकल होते हैं। अच्छा। जिनके साथ में हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा। और जिसकी वजह से जो बाकी पीछे यूजर खड़े होते हैं उनको भी थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हमने ये किया कि उस व्हीकल को अगर कुछ मैसेज आता है उसको हम आगे करवा लेते हैं, आगे पार्क करा लेते हैं, ताकि पिछले यूजर को समस्या ना। आपने देखा होगा वो निकल गए, उस टाइम से निकल गए, इसी से भी चल गए। चलिए देखिए, सनी पवार हैं अपना मैनेजर है, वो बड़े आराम के साथ वाहन चालकों को प्यार के साथ निकालने का यहाँ से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए जो लोकल यहाँ के लोकल जो लोग हैं जिन्हें पास बनाना अनिवार्य है, अगर पास नहीं है तो उनसे बातचीत करके उन्हें समझा करके आगे के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही है ना? तो क्या कम से वो आगे के लिए अपना पास बनवाए, आगे के लिए अवेयर हो जाए और लाइन में आके समय नष्ट ना हो बाकी यूजर्स का भी और उनका भी। और जो एज पर NHI गाइडलाइंस है, जो पास उनको दिया गया है 330 रुपये का मंथली अनलिमिटेड पास है, तो उसका प्रयोग करें। और देखिए एक बार जूम करके दिखा दीजिए कि किसका कितना कितना, एक ये और बता दीजिए चार्जेस क्या क्या है। ये चार्जेस कार जी वैन का 90 रुपीज़ है सिंगल जर्नी थ्रू फास्टैग, और LCV लाइट कमर्शियल व्हीकल जिसको बोलते हैं हम या मिनी बस 145, बस और ट्रक 305, और MAV मल्टी एक्शन व्हीकल जिसको बोला जाता है 480। बाकी जी 480। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।